नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोल्ली हिल्स यात्रा से संबंधित पूरी बातें कि आप कब जाएं और कैसे जाएं, कहां रुके और कहां घूमें तथा कुल खर्चों के बारे में। ये सभी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कोल्ली हिल्स की, जो तमिलनाडु के नामक्कल जिले में स्थित है और इसे माउंटेन ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और कोल्ली हिल्स न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अरपापलेश्वर मंदिर के कारण भी इसका धार्मिक महत्व है, जो भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ वाणिज्यिक पर्यटन से अपेक्षाकृत अछूता है। इसलिए इसने अपनी प्राकृतिक विशालता को बरकरार रखा है और कोल्ली हिल्स के शिखर पर घुमावदार सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो इसकी यात्रा को अधिक रोमांचक बना देता है। और यदि आप तमिलनाडु में घूमने के लिए ऐसी ही जगह की तलाश में हैं तो आपको कोल्ली हिल्स की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कोल्ली हिल्स की सारी जानकारी देते हैं और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कब कोल्ली हिल्स जाएं। वैसे तो तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स की यात्रा जनवरी के महीने को छोड़कर पूरे वर्ष की जा सकती है, क्योंकि इस सुरम्य स्थल की ऊंचाई को देखते हुए तापमान में गिरावट आती है। लेकिन यहाँ जाने का सबसे सही समय अगस्त से लेकर दिसंबर तक और मार्च से लेकर जून तक के बीच का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है, जबकि अन्य सभी महीनों में भी कोल्ली हिल्स का मौसम काफी सुखद होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कोल्ली हिल्स कैसे पहुँचे। तो दोस्तों यहां आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको सेलम रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, जो कोल्ली हिल्स से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, और यहां से आप बस या टैक्सी के जरिए पहुंच जाएंगे कोल्ली हिल्स। और यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो आपको त्रिची एयरपोर्ट पर उतरना होगा, जो कोल्ली हिल्स से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहां से आप बस या टैक्सी बुक करके कोल्ली हिल्स जा सकते हैं। और हाँ, यदि आप बस से जा रहे हैं तो आपको कोल्ली हिल्स सेलम के माध्यम से तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जो मदुरै और आसपास के शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति सेलम से चलने वाली बसों से यात्रा कर सकता है। इसके अलावा आप रोमांचक ट्रिप के लिए बाइक या अपनी कार से भी यात्रा कर सकते हैं। और हाँ, देश के कई बड़े शहरों से बसें चलाई जाती हैं, जिनके जरिए आप तमिलनाडु से कोल्ली हिल्स पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कहाँ रुके। वैसे तो यहाँ आप रुकने के लिए होटल बुक कर सकते हैं, जहाँ आपको एसी व नॉन एसी दोनों प्रकार के होटल उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट के अनुसार बुक कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, होटल, ट्रेन और प्लेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप कहाँ घूमने जाएं। तो दोस्तों यहाँ आप अरापलेश्वर मंदिर घूमने के लिए जा सकते हैं, जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध कोल्ली हिल्स में चोल वंश द्वारा निर्मित एक प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पूरे दक्षिण भारत में भगवान शिव के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर बनाने के लिए जमीन तैयार की जा रही थी, तब धरती में खुदाई करने पर उन्हें एक शिवलिंगम मिला, जिसे आज भी मंदिर में देखा जा सकता है। और इस मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी को समर्पित एक मूर्ति भी है, जिनके आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं अगया गंगई झरना, जो पूर्वी घाट तमिलनाडु के कोल्ली हिल्स में स्थित है, और यहाँ झरना लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो रोमांच प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय बना हुआ है, क्योंकि इस झरने तक पहुँचने के लिए लगभग 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जबकि मानसून के दौरान झरना खतरनाक होता है, इसलिए इस समय यहाँ जाने से बचना चाहिए। और इस झरने की यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने के लिए मजबूत जूते एवं कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप कोल्ली हिल्स की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ घूमने जरूर जाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुल खर्चों की। वैसे तो ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे और क्या क्या खरीदेंगे, तो ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।